और पत्नी का रिश्ता बेहद नाजुक होता है और दोनों के लिए एक दूसरे की भावना ध्यान रखना जरूरी होता है। एक दूसरे के दिल को ठेस लगाने का परिणाम कई बार बेहद घातक होता है। ऐसा ही एक वाक्या बटाला में हुआ। शहर के बीको कॉम्प्लेक्स स्थित मद्रासी कॉलोनी के एक घर में पत्नी ने रात में रोटी बनाने से मना कर दिया तो पति ने उसे चांटा जड़ दिया। इससे आहत पत्नी ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। दोनों का 3 महीने पहले ही प्रेम विवाह हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर पति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी पति खुद को बेकसूर बता रहा है। बटाला शहर के बीको कॉम्प्लेक्स स्थित मद्रासी कॉलोनी निवासी पार्वती ने सिटी पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसने अपनी बेटी ज्योति की शादी 3 महीने पहले अपने पड़ोस में रहते सूरज के साथ की थी। शादी के बाद उनका दामाद सूरज कई बार उनकी बेटी से झगड़ा कर चुका था, घर में क्लेश रहता था। वहीं शुक्रवार रात को तबीयत ठीक न होने के चलते ज्योति ने रोटी बनाने से इनकार कर दिया। उसने पति से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह अभी खाना बनाने की हालत में भी नहीं है। इस पर पति और पत्नी में कहासुनी हो गई और कहासुनी के दौरान गुस्से में सूरज ने पत्नी ज्योति को थप्पड़ जड़ दिया। पति के इस व्यवहार से ज्योति काफी दुखी हो गई। आहत ज्योति ने बीते दिन शनिवार को घर में छत की किल्ली से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस थाना सिटी के SHO विश्राम मित्र ने बताया कि ज्योति के शव का पोस्टमार्टम करवाकर वारिसों के हवाले सौंप दिया गया है। इस संबंध में ज्योति के मायके वालों के बयान के आधार पर उसके पति सूरज के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी सूरज को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरदासपुर से रशपाल सिंह, आजाद TV। निकले चाय पिले घर की सुती बस 10:30 बजे के बाहर एक दिन पे मैं और मेरे प्रात मेरे मामा टीवी काट रोलिया ओ की क्या जानवर वाला तेरे अपने तो प्यार करके आया कितना दिन आते लव मैरिज में एंडी थे कुछ नहीं कितना मतलब बिल्कुल घर के आटा बटर ले गया शादी सूरज कुमार वासी पुरानी माल मंडी बैक साइड बीको फैक्ट्री बटाला नाल हुई सी। इसका पति जरा सूरज ही इन आने बाने तंग परेशान करने लग गया ते मारपीट करता सी। उसकी परेशानी तो आके ज्योति ने 16 तरीक की रात को फाहा लैके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जिहदी कार्रवाई अडिशनल SHO राम सिंह उन्होंने अमलों लियांदी। लड़की की माता पार्वती देवी मदैया ने बयान दिते ते मुकदमा नंबर 45/17 मार्च जुर्म 306 IPC थाना सिटी दर्ज किया गया। आज गिरफ्तार कर लिया गया।